दोस्तों, स्टार प्लस का ब्लॉकबस्टर टीवी शो अनुपमा की कहानी का नया प्रोमो आउट हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसा कि बीते कुछ दिनों से लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पोस्ट जनरेशन लिप दिखाया जाएगा अनुपमा की कहानी में, और कुछ नए स्टार कास्ट की एंट्री होने वाली है, और प्रोमो में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है। जो छोटी आद्या है वो अब बड़ी हो चुकी है, और बड़ी आद्या और अनुपमा की जो राय है जुदा हो चुकी है एक बार फिर से, और एक बार माँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है इस प्रोमो में। वहीं टीवी एक्टर शिवम कजूरिया को दिखाया गया है जो कि अनुपमा के पास दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनके बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं ऐसा दिखाया जा रहा है। वहीं जो छोटी आद्या जो अब बड़ी हो चुकी है उस किरदार को निभा रही हैं टीवी एक्ट्रेस अलीशा परवीन, जो बीते एपिसोड में हमने इनका नाम बताया था। इससे पहले ये टीवी शो उड़ारिया में नजर आया करती थी। वेल प्रोमो को देखकर आप सभी फैंस की एक्साइटमेंट लेवल दुगनी हो चुकी है, क्योंकि टीवी एक्टर शिवम कजूरिया और अलीशा प्रवीण के बीच में अब केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है पोर्न जनरेशन लीप के बाद। वहीं लीप के बाद कुछ और नए स्टार कास्ट की एंट्री होने वाली है। क्या कुछ खास दिखाया गया है इस छोटे से प्रोमो में, उस बारे में जिक्र करते हुए जहां पर अनुपमा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जो शिवम कजूरिया है उन्हें प्रसाद लेकर मंदिर भेजती है द्वारिका, और कहती है आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, पता नहीं वो आज कहां होगी। और जैसे ही शिवम कजूरिया जब उस द्वारिका के मंदिर में जाते हैं वो टकरा जाते हैं किससे, बड़ी आद्या से। जी हाँ दोस्तों, जो छोटी आद्या थी वो अब बड़ी हो चुकी है और उन्हें प्रसाद देते हैं प्रसाद के रूप में, और जैसे ही वो हलवा को खाती है बड़ी आद्या तो कहती है इस प्रसाद और हलवे को खाकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। जहाँ पर कुछ पुराने रिश्ते मिलने वाले हैं, अब देखना होगा कि जो बड़ी आद्या और अनुपमा की जिंदगी कैसे एक साथ पटरी पर लौटती है और कैसे मिलते हैं। क्या शिवम कजूरिया सबसे बड़ी वजह बनेंगे इन दोनों को मिलाने के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी।